हिमांशु सर, मैं आपके पास आता हूँ। सर, चुनाव में मोदी बनाम राहुल की बात खूब होती है, भाजपा भी इस फील्ड पर खेलने में अपने को बड़ा सेफ महसूस करती है, लेकिन चुनाव तो अभी 1 साल बाद हैं, या राज्यों में चुनाव में भी अभी मान लीजिए घोषणाएं नहीं हुई हैं, उससे पहले ही राहुल गांधी पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से लगातार मोदी जी को नई नई चुनौतियाँ फेंक रहे हैं। कभी वो जो है एक उनका जो तेवर है सदन के अंदर एक तेवर रहता है, उससे इतर एक तेवर सड़क पे दिखता है, तो इस ये जो तेवर है वो कहीं ना कहीं राहुल बनाम नरेंद्र मोदी का जो मुकाबला है ये आप कितना दिलचस्प देख रहे हैं, ये क्या दिलचस्प होता चला जा रहा है ये मुकाबला, और इस मुकाबले में आप मोदी जी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? हिमांशु सर जी, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। नमस्कार आपके पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, आपको और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। देखिए, ये जो आज की जो लड़ाई है वो ऑप्टिक्स बिल्डिंग की लड़ाई है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए जो ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी की जो एक इमेज थी, उन्हें जिस नाम से बुलाया जा रहा था, तो अभी पब्लिक उन्हें एक सीरियस लीडर के तौर पे लेने लगी। अब 17 साल की जब बात आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं यही चीजें फुटवर्क अपना RSS वगैरह जो भी है वो उस दिशा में करती थी। सोशल मीडिया नहीं था तो एक वर्ग जो है वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़ा और आज वो सत्ता में है। लेकिन सत्ता में आने के बाद 10 साल में जिस तरीके के कमिटमेंट्स हुए तो लोगों ने उनको क्यों सत्ता में लिया कि सबसे पहले आपने कमिटमेंट दिया कि हम 2 करोड़ नौकरियां, तो आज इंसान को सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? इंसान को जरूरत होती है रोजगारी की, अपनी जेब में पैसा हो, डिस्पोजेबल इनकम हो, तो वो एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट माइलस्टोन। 370 की बात आई थी, राम मंदिर की बात आई थी, वो मुद्दे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो उनकी हिंदुत्ववाद की जो विचारधारा है उसको लेके जो मतदाता उनके साथ जुड़े हुए थे वो उनके साथ है। बट ज्यादातर अगर भारत ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उनका जो एजेंडा था प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की जो बात थी उस मुद्दे पे दिया। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी यही चीज जाके जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि कितना प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट सही में हुआ है, या जो वादे किए गए थे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को लेके ये डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिंदगी और दुश्वार हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि आपकी एक तरफ से महंगाई की मार है, जिस तरीके से गठबंधन का जो एजेंडा है कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, दूसरी तरफ महंगाई क्यों है? क्योंकि हर एक चीजों का दाम बढ़ा दिया गया है, उसके ऊपर GST, और GST का मामला ऐसा है कि किसी व्यापारी ने उधारे में भी माल बेचा है तो उसको पहले GST तो भर देता है, तो वो GST कहां से कलेक्ट करता है? वो GST कलेक्ट करता है ऑब्वियसली कस्टमर्स। तो महंगाई इसलिए समझने की कोशिश की। अब महंगाई क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। जो उधारी पे मान लीजिए जो छोटा व्यापारी जो भी मतलब माल लेता है उसको उधारी 120 दिन के बाद या 90 दिन के बाद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जिसको भी चुकानी है तो उसका उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके वो उस दिशा में बेचेगा और बाकी जो GST लगेगा। तो आपके पास कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होने के बावजूद जो कि एक टोल माप जो खाता होता है या कमोडिटी कंट्रोल करता है कि इसके दाम आप ऐसे ऐसे डिसाइड करेंगे। आप MSP डिसाइड कर लेते लेकिन किस दाम पे ये बिकेगा ये आप डिसाइड नहीं करते, तो उसमें ये सब चीजें होती है और महंगाई कहीं ना कहीं इस वजह से बढ़ी हुई। अब महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं। आज गुजरात में जो बहुत बेसिक नौकरियां होती है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट में, 18-20 हजार की नौकरियां, उसके लिए लोग सड़क पे, उसके लिए लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी फेलियर कहां पे दिख रही है आज? देखने आप अगर देखने जाए या तो ये फेलियर इंटेंशनली किया जा रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि 24 लाख की सैलरी जिसकी सालाना हो, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स आपके पास बैठे हैं, वो एक एग्जाम नहीं ले पा रहे। बहुत सारे राज्यों में हमने देखा कि या तो पर्चे लीक हो जाते हैं, एग्जाम नहीं ली जाती है, नौकरियां मिलती है। तो इन मुद्दों पे नौकरियां नहीं है, इन मुद्दों पे बात करते हैं राहुल गांधी, महंगाई उन पे बात करते हैं और बोलते हैं कि आपका जीना दुश्वार हुआ, महंगाई बढ़ी, आपकी जेब में कुछ पैसा बचा नहीं बचा, और उसके ऊपर वो बात करते हैं क्रूनी कैपिटलिज्म और करप्शन की, जो कि अदानी हिंडनबर्ग के बाद जो मुद्दा है, मतलब तूर पकड़ के बैठा है कि ये उद्योगपतियों को सहूलियत देते हैं, छोटे किसान वगैरह जो वर्कर्स है उनको सहूलियत नहीं मिलती। तो जो मुद्दों पे बीजेपी 2014 में आई थी, जिन मुद्दों पे भारत ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमी का था। और इकोनॉमी का मुद्दा क्यों था ये भी आप समझिए, G20 का भी 37 पेजेस का जो डिक्लेरेशन हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें भी बात मोटे मोटे तौर पे ये G20 के जितने राष्ट्र हैं उन्होंने एक तरीके से एक सहमति बनाई है इकोनॉमी को आगे ले जाने,
और आने वाले दिनों में जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रिगर करने वाली एक तरीके का डिसरप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब चीजों की वजह से मशीन लर्निंग, जहां से नौकरियां जाने वाली है, तो आप कैसे ये करेंगे और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। 37 पेजेस का अगर आप मसूदा पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्यादातर फोकस इकोनॉमी पे। हुआ क्या है, 2014 में सत्ता में आने के समय सरकार ने सब इकोनॉमी वगैरह की बातें की। सत्ता में आने के बाद इकोनॉमी की जो हालत हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो समस्याएं खड़ी हुई है उसको लेके राहुल गांधी बात। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, राहुल गांधी बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। वही चीज महुआ मोहित्रा कर रही है, क्योंकि उनका भी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बैकग्राउंड एजुकेशन का, और वो मतलब एक बड़े बैंक्स में काम कर चुके वर्ल्ड के, लंदन के हेडक्वार्टर्स में। तो ये सब लोग इसलिए ये मुद्दा उठाते कि आपने जो बात की, आपने जो कमिटमेंट दिए उन पे आप खरे उतरिए। अब आप आंकड़े जिस तरीके से दिखाते वो मत की, पहलवान धरने पे उतर रहे तो आप उसका एक पॉलिटिकल स्मोक स्क्रीन बना के चलते और इकोनॉमी के बारे में कुछ बात नहीं करते, तो ये नहीं होना चाहिए। संसद में 18 से 22 तक सत्र होगा, उसमें आईटी फैक्ट्रीज कितनी एक्टिवेट हो चुकी थी कि भारत का नाम बदल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। बाद में आपको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही चीज है, भारत और इंडिया दोनों है। तो क्या किस लेवल पे डिबेट में लोगों को एंगेज किया जा रहा है, किस तरीके से पूरा टाइम वेस्ट किया जा रहा है लोगों का, लोगों को किस तरीके से सही मुद्दों से भटकाया जाता है, तो इसको लेके राहुल गांधी बात करते कि देखिए इन लोगों ने इकोनॉमी की बात की। मान लेते हैं चलिए 17 साल में कोई विकास, ये इसरो भी मान लीजिए 2014 के बाद दिया है, डैम्स इंडिया में थे नहीं, रेल इंडिया में थी नहीं, सब कुछ 2014 के बाद है, लेकिन विकास, इकोनॉमी, लोगों के पास, अगर आप प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात करें तो लोगों के पास नौकरियां क्यों नहीं, और अगर नौकरियां नहीं है तो ये प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आया कहां से। ये बेसिक लॉजिक की जो बात है वो राहुल गांधी लोगों के बीच जाके बात करते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बौखलाहट आती है, फिर से वही नैरेटिव आता है कि इनको सीरियस लीडर के तौर पे मत लीजिए। तो पॉलिटिकली अगर आप देखने जाएंगे, जब आप कोई मतलब, और ये समझने वाली बात है, जो चीज 17 साल से आप मतलब एक बोल रहे थे कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो आज तक मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए पूरे भारत में कौन सा आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कौन सा आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सैलरी आपकी मतलब उसमें महंगाई के दर से ये होना चाहिए वो होना चाहिए उसका एक ऐसा नेशनल आंदोलन कौन सा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किए वो हिंदुत्व के प्लैंक के ऊपर, और अगर आप देखेंगे तो वो बात उनकी यही थी कि सेंटिमेंटली हर एक बंदा भारत जो है वो कुछ आप त्यौहार से जोड़ लीजिए, इवेंट से जोड़ लीजिए, उन्होंने राम मंदिर का एक इवेंट के साथ लोगों को जोड़ के उस दिशा में आंदोलन किया। और कहीं ना कहीं हमको इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस जो भी आप कहे, एक तरीके से पोलराइजेशन हुआ, एक तरीके से मेजोरिटी वोट बैंक बनी है जो इनके बेनिफिट में, 20 करोड़ आज इनके कमिटेड कार्यकर्ता इनके वोटर्स है, 23 करोड़ वोट से ये जीतते हैं पिछला इलेक्शन, तो ये उनको बेनिफिट हुआ है। लेकिन राहुल गांधी बात करते कि आम जनता को क्या मिला है और ये 10 साल में क्या मिला है, ये ऐसा नहीं बोल रहे हम मानने के लिए तैयार है 17 साल में भारत, 17 साल पहले भारत था ही, बराबर है, जो भी हुआ चलिए मान लेते 2014 के बाद, लेकिन अगर आपने डेवलपमेंट किया, रास्ते बनाए, ट्रेन लगाई, पुल बनाए, ब्रिज हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसका जो परकोलेशन होना चाहिए सिस्टम में, इकोनॉमी में, आम आदमी के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए वो क्यों नहीं आई। और उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपके देता हूं, ये एग्जांपल देके मैं खत्म करता हूं। लास्ट ऑफ द लास्ट वीक मैं बड़ौदा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने वहां पे अपना प्लांट एक्सपांड किया, वो 8 लाख पीसेस पर मंथ बनाते थे, अब वो 16 लाख पीसेस पर मंथ बनाए, 8 लाख पीसेस पर मंथ बनाते थे, उसमें उन लोगों ने 800 लोगों को रोजगार दिया था, अब ये नया जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें वो लोग 400 लोगों को रोजगार देने वाले, मतलब उन्होंने, मैंने उनको पूछा अभी और उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेशन में, तो साहब ये जो डेवलपमेंट आ रहा है ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से आ रहा है, ये फॉरेन की कंपनी है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना नहीं चाहती है, फैमिली होल्डेड कंपनी है, तो बोलते हैं कि हम लिस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि 135 साल पुरानी फैमिली होल्डिंग कंपनी है, तो यहां पे सस्ता ईंधन, सस्ता मैन पावर, सस्ती बिजली, सस्ता लॉजिस्टिक्स लेके आप प्रॉफिट्स जो है वो अपने फैमिली में वापस प्लाउ बैक कर रहे हैं, जहां जो भी कंट्री से आप आए हो या धंधा करने के लिए, तो वो दिखता है एफडीआई,
लेकिन वो सिस्टम में डाउन टू द रैंक परकोलेट नहीं होता है, 400 ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे पाता। जब आप 8 लाख पीसेस मैन्युफैक्चर करते थे तो आपने 800 लोगों को नौकरी दी, तो अभी आप 8 लाख और मैन्युफैक्चर करने तो 400 लोगों को नौकरी दे रहे। आने वाले दिनों में शायद आप 8 लाख और लेके आएंगे, शायद 100 या 200 लोगों को नौकरी देंगे, तो इसमें बेनिफिट लोगों को कहां हुआ भैया? या ये परकोलेट कहां हुआ इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में, नौकरियां कहां आई? ये समस्या है, और इस समस्या को लेकर मुझे लगता है राहुल गांधी बात कर रहे हैं, और इसलिए बीजेपी रिबटल देती है। वो पॉलिटिकली वो भी समझते हैं कि ये मुद्दा सही है, लेकिन अब इसका जवाब हम कैसे दे, तो इनको उस तरीके से जवाब देना पड़ता है कि इनको आप सीरियसली मत लीजिए। हालांकि परसों ही मैं किसी एक रिटायर्ड वेटरन आर्मी ऑफिसर के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातें अब सबको लगता है कि सही है या सही दिशा में वो जा रहे हैं। तो ये जो बिल्टअप हो रहा है परसेप्शन राहुल गांधी को लेकर, उसको लेकर बीजेपी बिल्कुल अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल रिबटल्स, और समझ गई है कि अब इसमें हमको जवाब देना पड़ेगा, इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। ऐसे ही मतलब इसको हम जुमला बोल के नहीं कह सकते, हमको 2 करोड़ नौकरियों का जुमला दिया था, जैसे 15 लाख अकाउंट में आएंगे वो एक जुमला था, अब 2 करोड़ नौकरियों को जुमला नहीं बता सकते। हिमांशु सर, एक चूंकि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक तो ओबीसी के मुद्दे पर उन्होंने फिर से फोकस किया, और साथ ही साथ एक बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, उन्होंने सरकार पर लगाया बेसिकली। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा सांसद नहीं है, इंक्लूडिंग भाजपा, इंक्लूडिंग कांग्रेस और बाकी दलों को भी, उन्होंने सबको शामिल किया, ये नहीं कि केवल भाजपा पर कहा, कि कोई ऐसा सांसद नहीं है जो किसी भी तरीके के कानून बनाने में सम्मिलित हो, उसकी सहभागिता हो या उसकी सहमति हो, उसकी मंजूरी हो, कुछ भी, कोई कानून बनाने में या किसी तरीके के संसद के कामों में उसकी कोई भागीदारी नहीं हो रही है, उनको केवल एक मूर्ति की तरीके से बना करके रख दिया गया है। एक तो इस ये जो गंभीर ये आरोप जो है, इसकी गंभीरता पर आपकी एक छोटी टिप्पणी। इसके साथ एक सवाल और मैं जोड़ना चाहता हूं सर, रिपोर्ट्स आती हैं अडानी को लेकर के, जब रिपोर्ट आती है सरकार पर सवाल उठता है, सीएजी की रिपोर्ट भी इसी समय आ जाती है, फिर सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है और उसके बाद विशेष सत्र की बात आना शुरू हो जाती है। सर क्या ये जो सारा सीन था वो केवल ध्यान भटकाने वाली जो चर्चा हो रही है, जो बात कही जा रही है वो है, और अगर है तो ध्यान भटकाने में क्या सरकार कामयाब हो गई है, या फिर विशेष सत्र ला करके फिर एक दिन पहले खत्म करना पड़ गया, ये सारी जो चीजें हुई तो क्या ये दांव उल्टा पड़ गया सरकार के? आपका पहला सवाल कि क्या संसद में जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप किसी से मिलेंगे तो वो जो भी प्रक्रिया हो रही है उनको लगता है उसमें कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन अप्रोच है, तो आप कैसे इसके सामने खड़े होंगे? और देखिए समस्या क्या हुई है, ये जो लोग आज मतलब सत्ता पक्ष में बैठे, एक जमाने में विरोध करते थे सरकार की नीति, लेकिन आज इन्हीं की सरकार अगर कोई नीति लेके आती है जो लगता है कि प्रजा के हित में है या नहीं, जैसे फार्म बिल आप ले लीजिए, तो फार्म बिल के मुद्दे पे बहुत सारे सांसद ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे कि ये गलत है, सही है, जो भी है, लेकिन वो उसके सामने उस मुद्दे को लेके संसद में बात नहीं कर पाते। अल्टीमेटली वो फार्म बिल्स को आपको रिपेल करना पड़ा, जो भी बातें आई जिस तरीके से सामने, तो ये पुष्टि है इस बात की कि कितना पार्टिसिपेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, एमपीस का, ये जो पूरी प्रक्रिया, तो मतलब ये एलिगेशन नहीं है, इसके पुख्ता जिसको बोले कि इसके बेस भी, इसका पुख्ता बेस भी है कि ये फार्म लॉ में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लॉज, फार्म लॉ तो एक बात है, बहुत सारे ऐसे लॉज हो जैसे ही पास हो जाते हैं जिसमें कोई चर्चा नहीं होती है, जिसमें कोई पार्टिसिपेशन। दूसरा आपका जो प्रश्न था जरा रिपीट करेंगे उसे फिर से प्लीज सर। जब अभी बीते समय में रिपोर्ट्स आई लगातार एक के बाद एक, खुलासे जो हुए, रिपोर्ट आती है अडानी पर और सवाल सरकार के ऊपर उठने लगता है, और ये जी हाँ, तो आपने ध्यान भटकाने के लिए सत्र किया ऐसी बातें, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि कुछ बिल्स जो पारित करने थे सरकार को, और ये क्या रहता है एक ऑप्टिक्स बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा एक ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज, एक देखिए बीजेपी जो है ना भारतीय जनता पार्टी, उसको मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता, ये पार्टी है सोशल इंजीनियरिंग, इसकी जो सक्सेस है उसकी सक्सेस के पीछे इसकी सीक्रेसी। सत्र आएगा इतना बोलेंगे, अब क्या होगा कैसे होगा वो पिछले दरवाजे से कोई बोलना शुरू कर देगा कि भारत का नाम बदल, इंडिया का नाम बदल के भारत रखने वाले हैं, तो वो डिबेट शुरू हो जाती है टेलीविजन में उसमें, और रिपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि हमको तो मतलब हमारे सोर्स ने खबर दे दी। अब देखिए कितना पोपट बन गया सबका, कुछ बातें नहीं आई उस मुद्दे को लेके, तो ये ध्यान भटकाने में अभी रिपोर्टर्स को समझना है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या दी जाती है या पिछले दरवाजे से, क्यों आप
जब बोलते हैं कि 17 बुलाए जाने वाला है, तो उसका पूरा का पूरा जिसको बोले कि आप एक टेंटेटिव प्रोग्राम क्यों नहीं रखते थे कि इतने बिल्स हम लाना चाहते हैं, बिल मत बोलिए कौन से बिल लाना चाहते हैं, बोल दीजिए कि इतना एक काम करना चाहते हैं जो कि देश के या नागरिकों के उसमें है। लेकिन आप बोलेंगे संसद सत्र आएगा 5 दिन का, पिछला दरवाजे से आपके आईटी सेल वाले आपके लोग मीडिया में उसमें और हंगामा हो जाएगा, बाद में आप देखिए कैसा पोपट हो गया। तो मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया को अब इन सोर्सेज पे कितना भरोसा करना है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से सरकार सब मोर्चों पे घिरी हुई है, इकोनॉमी के फ्रंट पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो राहुल गांधी रोज जाके मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरीके से रियलिटी दिखा रहे, ऑन ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, जब वो वोट्स में कितना ट्रांसलेट होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वो एक ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे। और वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं ये प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं कर। तो पहले तो आपका जो मुद्दा होता था कि अगर ये नेता नहीं तो उनके सामने कौन, उसके सामने कोई विकल्प नहीं, तो बोले मैं विकल्प ही नहीं हूं, चलिए मान लीजिए अब कोई और आएगा। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं आपको स्मोक स्क्रीन्स बिल्टअप करने हैं, आपका मतलब अभी जो संसद का सत्र है या संसद का समय है वो बहुत कम रहा है आपके पास। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि फिर से ऐसी अनाउंसमेंट आएगी कि संसद का सत्र बैठने वाला है, लगातार व्हिप भेज दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, और बाद में बात आएगी कि शायद ये आखिरी सत्र होगा क्योंकि इसके बाद सत्र नहीं होगा, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाने वाली, तो उस ये सब शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तो ऐसे लगातार स्मोक स्क्रीन्स आएंगे, ऐसे लगातार ध्यान भटकाने वाले मुद्दे आएंगे, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल मुद्दा क्या है ये मुझे आप बताइए। मैं परसों से देख रहा हूं कनाडा इंडिया का मुद्दा छाया हुआ है, मतलब ये वुमन रिजर्वेशन का बिल का मुद्दा तो साइड में रह गया है, तो कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप के मुद्दे पे जिस तरीके से बातें चल रही है, जो भी बातें सामने आ रही है, जस्टिन ट्रूडो ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की मतलब न्यूयॉर्क सेंटर में, सभी पत्रकारों के सवाल जवाब दिए, जिस तरीके से समस्या वहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो इंडिया कनाडा रिलेशन वॉज अ प्राइम टॉपिक बेसिकली, अगर वो पत्रकार परिषद आप देखेंगे। यूक्रेन के बारे में सवाल किए गए लेकिन थोड़े किए गए, लेकिन इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप तो जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके वहां के समूचे पत्रकार जगत ने इनके ऊपर सवाल किए, ट्रूडो ने जवाब दिए, तो ये होता है। अब यहां पे तो ये हो नहीं रहा, आप यहां पे क्या करेंगे, आप कुछ बात करेंगे फिर मीडिया को अलग दिशा में लेके जाएंगे, मीडिया अपने तरीके से करेगा, फिर मीडिया का पोपट बनेगा, बाद में पब्लिक को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि मीडिया तो भरोसा करने लायक है ही नहीं। तो ये सब चीजें होती है, डाइवर्जन टैक्टिक्स या जो भी आप बोलिए सोशल इंजीनियरिंग, कहीं ना कहीं ये डिपस्टिक देख लिया गया कि अगर हम नाम कल को बदलते हैं भारत का, क्योंकि G20 में भारत रखा गया था, तो क्या होता है, कितने लोग इसके साथ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के सब मुझे लगता है नुस्खे हैं, ये कोई पॉलिटिकल नुस्खे नहीं। तो ये एक एजेंडा रहेगा पॉलिटिकली जो भी मतलब पार्टी का है, और उनकी जो सक्सेस है, मैं जो बोल रहा हूं उनकी सक्सेस उनकी सीक्रेसी है, और सीक्रेसी और डाइवर्जन ये दो चीजें इनकी सक्सेस है, तो ये मुझे लगता है ये करते ही रहेंगे। अब इसको कितना सीरियसली लेना है पब्लिक को, मीडिया को, लोगों को, आई थिंक ये उनके ऊपर।